भोपाल पुलिस ने केमिकल से बनाए जाने वाले मिलावटी दूध के कारोबार का बड़ा खुलासा किया। संभल पुलिस ने केमिकल से बनाए जाने वाले मिलावटी दूध के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस कारोबार में लिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में नकली दूध के अलावा उपकरण बरामद किए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी करीब 6 माह से नकली दूध बनाने का कारोबार कर रहे थे। वह लोग केमिकल से नकली दूध बनाकर इसकी सप्लाई बुलंदशहर, बिजनौर सहित तमाम जिलों में कर मोटा मुनाफा कर रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में मिलावटी दूध, केमिकल्स आदि बरामद किए गए हैं। फिलहाल मास्टरमाइंड सहित सभी चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बताते चलें कि संभल जिले में लंबे समय से मिलावटी दूध का कारोबार चल रहा है। खाद्य विभाग इस मामले में पूरी तरह से आंख बंद किए बैठा है। यही वजह है कि आम जनता मिलावटी दूध पीने को मजबूर है। फिलहाल पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से मिलावट खोरों में हड़कंप मचा हुआ है। ये संभल में हयात नगर थाना क्षेत्र में ग्राम गौहत में एक मेंथा की बंद फैक्ट्री थी, जो वीर सिंह की फैक्ट्री थी, वहाँ पे सूचना मिली कि सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। वहाँ पे पुलिस ने दबिश दिया तो वहाँ पे भारी मात्रा में केमिकल पदार्थ मिले, ड्रम मिले और इसमें जो मिलाने वाले पाउडर हैं वो सब मिले, उनको वहाँ से रिकवर किया गया है। इसी में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इसका मास्टरमाइंड जो है प्रमोद, वो भी गिरफ्तार हुआ है और इसके साथ में वहाँ पे 11 ड्रम रिफाइंड आयल और 23 किलो पाउडर सफ़ेद पीला और 17 सफ़ेद केमिकल बोतल, ग्लूकोज सिरप, रिफाइंड आयल और ये काशीपुर से लेकर आते थे ये सारी चीज़ें और यहाँ पे मिला करके उसको नकली दूध बनाते थे और एरिया में सप्लाई करते थे, आसपास के जिलों में बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा आदि क्षेत्रों में सप्लाई करते थे और भारी मात्रा में नकली सिंथेटिक दूध बना करके सप्लाई करते थे। अब ये पूरा गैंग पकड़ा गया है, इनसे भारी मात्रा में रिकवरी हुई है, इनके साथ अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? धाराओं में इसमें है 272, 273 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 57 और 58। पूछताछ में जानकारी थी सबसे काम कर रहे थे ये, लगभग 6 महीने से काम कर रहे थे। पूछताछ में बताया इन्होंने कि 6 महीने से लगभग काम शुरू किया था इन्होंने और जब ये मुखबिर की सूचना मिली तो इनको गिरफ्तार किया गया है और जो भी इनमें शामिल लोग हैं सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।